हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएस 201 के प्रैक्टिकल 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड फाइल्स, इसके पार्ट 2 में हम 10 नंबर को सॉर्टिंग करने का प्रोग्राम बनाएंगे। इससे पिछले पार्ट में भी हमने एरे पर बेस्ड प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने 10 नंबर्स को आपस में कंपेयर करके उनमें से सबसे बड़ा जो नंबर था वो फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया था। तो चलिए देखते हैं आज के प्रोग्राम हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से करेंगे। तो प्रोग्राम टू सॉर्ट 10 इंटीजर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 10 इंटीजर नंबर को सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, क्रम में जमाना, बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम हो सकता है। तो सॉर्टिंग करेंगे हम 10 नंबर की किस तरह से करनी है, और आज हमें बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 10 इंटीजर नंबर हमें इनपुट करवाने हैं, यूजर से लेने हैं, और फिर उन 10 इंटीजर नंबर्स को हमें सॉर्ट करना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो नॉर्मल केस में जनरली तो हम इसके लिए कई सारी सॉर्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, उनको काम में ले सकते हैं, पर आज जो हम टेक्निक काम में ले रहे हैं वो सिंपल ये ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 4, 7, इससे पहले है मेरे पास 9, 4, 7 और -2। सपोज ये 4 नंबर हैं, तो मैं आज जो हम इस प्रोग्राम में टेक्निक हम लगा रहे हैं वो सिंपल टेक्निक है कि हर एक नंबर को उसके अगले नंबर से कंपेयर करवाते हुए जाइए, जो नंबर बड़ा है उसको आगे की तरफ लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 और 4 को कंपेयर करवाएंगे तो 4 छोटा है तो 4 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, 9, 7, 2, इस तरह से। फिर अगला नंबर है हमारा, यानी कि पहला ये एलिमेंट लेंगे, फिर अगला लेंगे। अब पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे 4 ले लिया, पहली पोजीशन ले ली थी, इन दोनों को कंपेयर कराया था, अब अगले दोनों को कंपेयर करवाना है हमें। 9 और 7 को कंपेयर किया तो क्या हुआ, 7 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 7 से बड़ा है। तो नया नंबर क्या हो जाएगा हमारे, 4, 7, 9, 2। फिर इसी तरह से, फिर सेकंड पोजीशन कर ली थी, अब थर्ड पोजीशन को हम कंपेयर करवाएंगे, तो इसको फिर कंपेयर किया हमने इससे, तो क्या हुआ, ये 9 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये आगे आ जाएगा 4, 7, 9 और 2। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 2 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे ना आपस में, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये पहले इटरेशन में 9 जो था, अगर सबसे बड़ा नंबर था पहला ही नंबर, तो वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, यानी कि अपनी प्रॉपर पोजीशन पर वो पहुंच गया है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ये अभी जो हमारे पास इटरेशन आ गई है, उस इटरेशन के बाद ये 2 और ये 9 हो चुका है। अब क्या करूंगा मैं, ये नंबर आ गया मेरे पास, अब वापस से मैं यही रिपीट करूंगा, फिर से पहले और दूसरे को कंपेयर करूंगा मैं। अब इसमें से ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। फिर दूसरे और तीसरे को करूंगा तो क्या होगा, ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये 4, 2, 7, 9 हो जाएगा। फिर अगले इटरेशन में अगले दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, 7 और 9 को, तो ये 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, तो यहाँ तो ये हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, पर ये कंपेयर सबको आपस में करता हुआ चलेगा। तो हम सिंपल एक लॉजिक लगा रहे हैं कि हर एक नंबर को उसके अगले नंबर से कंपेयर करवाते जा रहे हैं, आपस में उनका कंपेरिजन करते हुए चल रहे हैं, और जो बड़ा नंबर है उसको बाद में लिख दे रहे हैं और छोटा नंबर है उसको पहले लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं हमने प्रोग्राम में किस तरह से इस चीज को लिखा है। मैंने हेडर फाइल्स ले ली, दोनों हेडर फाइल जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में लेते हैं, void main लिखा, int arr10। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एरे ले लिया, जिसमें मैं 10 वैल्यूज ले रहा हूँ, जो मेरे 10 वेरिएबल हैं उनको मैं लूंगा जिनकी सॉर्टिंग करनी है। i और j लूप चलाऊंगा मैं, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिए हैं, और टेम्प मैंने लिया है टेम्परेरी वेरिएबल, जो वैल्यूज आपस में स्वैप करवाने के काम में आएगा।
उसके बाद देखें तो ये दो लाइनें प्रिंट करवा दी मैंने, प्रोग्राम टू सॉर्ट 10 इंटीजर नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद ये एक स्टार की लाइन प्रिंट हो जाएगी और फिर उसके बाद आएगा एंटर इनपुट वैल्यूज। तो यूजर से 10 वैल्यू इनपुट लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर लूप लगा दिया है। इस फॉर लूप को चलाया मैंने 0 से 9 तक, यानी कि 10 वैल्यू लेगा 0 से लेकर 9 तक में जो स्टोर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर स्टोर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 0th एलिमेंट हो जाएगा। ARR नाम दिया है मैंने इसको एरे को, और ये 9th एलिमेंट हो जाएगा। तो ये टोटल 10 एलिमेंट हो जाएंगे जो इसमें स्टोर हो जाएंगे, एक एक करके ये लेता जाएगा और इसमें स्टोर करता जाएगा जो भी वैल्यूज आती जाएंगी। सपोज वैल्यूज दे दी मैंने 0, 2, 3, 9, सपोज 13 कर रहा हूँ मैं इसको, ताकि ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं हो जाए। 1, 18, 7, 100 कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और -2। सपोज ये हो गए मेरी टोटल वैल्यूज, ये 9th वैल्यू है, ये 8th वैल्यू है। तो अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से इसको रन कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये वैल्यू इनपुट करवा ली सपोज मैंने यूजर से। अब मुझे इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, दो लूप चलाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, पहला जो मेरा आउटर लूप है वो भी 10 बार चलेगा और इंटरनली जो लूप है वो भी 10 बार चलेगा। ये क्या करेगा, 0 से लेके less than 10 यानी कि 0 से लेके 9 तक चला, तो टोटल कितनी बार चल गया, ये भी 10 बार चल जाएगा। तो i की वैल्यू 1 के लिए चलेगा सबसे पहले लूप, सॉरी 0 के लिए चलेगा, तो i की वैल्यू 0 हुई सबसे पहले। j की वैल्यू 0 से लेके लूप चला लेस देन 10 तक यानी कि 9 तक। क्या किया यहाँ पर मैंने, arr j, j की वैल्यू अभी क्या है, i की वैल्यू क्या है अभी 0, j की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 होगी इनिशियली यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है, a j को AJ+1 से कंपेयर कर रहा है, यानी कि A0 को 1 से कंपेयर कर रहा है, मतलब 0 और 1 को कंपेयर कर रहा है दोनों को आपस में। तो यहाँ पर कंपेयर करके क्या लिखा हमने कि अगर AJ+1 से बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा है, तो इस केस में तो ये बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो ये यहाँ चला जाएगा और J की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, J की वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो अब क्या करेगा ये, ARR1 और ARR2, एरे 1 और एरे 2 जो एलिमेंट है हमारे उनको कंपेयर करेगा, यानी कि ये 1 है एलिमेंट और ये 2 है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर देखा हमने 1 और 2, 1 ग्रेटर देन 2 है, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इसमें कुछ नहीं होगा, फिर ये आगे चला जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, J की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ARR2 को ARR3 से कंपेयर करेगा ये इस तरह से, ये 2 ये 3, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। और यहाँ पर कंडीशन चेक की इसने कि क्या 2 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 जो है 13 और 3 जो है 9, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी इस बार। तो ट्रू होने के केस में फिर क्या किया, टेम्प के अंदर वैल्यू डाल दी हमने ARR J, यानी कि ARR2 की वैल्यू डाल दी, वो क्या है 13, और ARR J यानी कि ARR2 में वैल्यू डाल दी मैंने क्या, J+1 यानी कि 3 की वैल्यू डाल दी, ये 9 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। और J+1 यानी कि ARR array 3 में वैल्यू आ गई मेरी टेम्प, जिसकी वैल्यू क्या है 13, यानी कि क्या हुआ, 1 के अंदर आ गया 9 और 2 के अंदर आ गया 9 और 3 के अंदर आ गया 13, यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी आपस में एक दूसरे से। यहाँ पर आ जाएगा 9 वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी 13, ये नई वैल्यूज हो जाएंगी। फिर से ये ऊपर जाएगा, J की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 को किससे कंपेयर करेगा, 4 से कंपेयर करेगा अब यहाँ,
जे और जे प्लस वन यानी कि 3 को 4 से कंपेयर करेगा, तो 13 और 1 को कंपेयर किया, अगर 13 1 से बड़ा है तो क्या किया इसने, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 की जगह 1 हो जाएगा और इस 1 की जगह पर 13 हो जाएगा, फिर से इंक्रीज होगा, लूप आगे बढ़ेगा, फिर अब किसको करेगा, इस वैल्यू को अगली से कंपेयर करेगा, तो 13 18 से बड़ा है? नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आगे चला जाएगा, फिर 18 को 7 से कंपेयर करेगा, अगर बड़ा है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा क्योंकि 18 बड़ा है 7 से, और ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगली बार में इसको अगले से कंपेयर करेगा, तो 18 और 100 में से कौन सा बड़ा है, 100 बड़ा है तो ये यहीं रह जाएगा, ये ऐसे रहेगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, 100 बड़ा है 10 से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर रिप्लेस होकर इसकी जगह पर 100 आ जाएगा, फिर लास्ट वाली दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा क्योंकि 100 बड़ा है, और ये -2 की जगह यहाँ पर 100 आ जाएगा। जब ये आई की वैल्यू 1 के लिए अगर हम देखें, तो जब ये पूरा एक बार लूप चल जाएगा आई की वैल्यू 1 के लिए, ये 10 बार चल गया लूप, तो क्या करेगा ये आई की वैल्यू 1 के लिए, इस तरह से ये एक इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी जिसमें वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0, 2, 9, 1, 13, 7, 18, 10, -2 और 100, ये केवल एक इटरेशन हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 के लिए ये चलेगा और फिर से ये पूरा चलेगा, फिर से ये सभी को आपस में कंपेयर करता हुआ चलेगा, और जैसे ये पहले इटरेशन में इसने किया था वैसे ही दूसरे इटरेशन में भी ये सॉर्टिंग करेगा, और इस तरह से ये 10 बार चलेगा लूप कुल, और ये क्या करता चलेगा, इसकी सॉर्टिंग करता हुआ चलेगा, और हर क्रम में बढ़ते हुए क्रम में ये इसको जमाता हुआ जाएगा। ठीक है, टोटल आई की वैल्यू 10 और ये 10, तो 100 बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके अंदर 100 टाइम्स, और ये कंप्लीट इसको जमा देगा क्रम में। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके वापस से देखें इसको, जो ये चीज़ अभी हमने देखी, एक इटरेशन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, फिर क्या होगा, जब ये जम जाएगा तो इसे हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है, तो इसके लिए मैंने ये फॉर लूप चला दिया जिसके अंदर मैंने जो एरे था जिसमें नई वैल्यूज आ गई हैं बढ़ते हुए क्रम में जम गई हैं, उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एक और फॉर लूप लगा के। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, चलिए अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो मैं कंपाइलर विंडो पर आ गया और यहाँ पर मुझे रन करना है प्रोग्राम, टर्बो सी का कंपाइलर है हमारा, ट्रेडिशनल जो कंपाइलर है, प्रोग्राम 3.2। 3.2 में अगर आप देखें तो पहली दो लाइनें कमेंट लाइंस हैं, फिर उसके बाद में अगली हेडर फाइल्स हैं मेरे पास दोनों, फिर वॉइड मेन, यहाँ पर मैंने ये एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, सेव कर दिया मैंने, वेरिएबल लिया एरे 10 एलिमेंट्स का एरे ले लिया इंटीजर टाइप का, आई और जे लूप वेरिएबल हैं और टेम्प हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, फिर मैंने ये तीन लाइनें प्रिंट करवा दी हैं स्क्रीन पर एज इट इज, जो प्रिंट हो जाएंगी, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करे ताकि ये मेरी, फिर उसके बाद फॉर लूप चलाया मैंने जिससे कि मैं वैल्यूज ले रहा हूँ यूजर से, ये 10 वैल्यूज इनपुट करवा ली मैंने जैसा अभी हमने देखा था प्रोग्राम के अंदर, फिर इसके बाद एक और फॉर लूप चलाया मैंने जिसके अंदर फिर दूसरा फॉर लूप है, और जिसके अंदर इफ कंडीशन लिखी है कि अगर करंट जो नंबर है वो अपने अगले से बड़ा है तो वो उससे रिप्लेस हो जाएगा जैसा अभी हमने देखा था। तो ये प्रोग्राम इस तरह से लिख दिया मैंने, और लास्ट में मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया एरे की वैल्यू को, जो कि अब शॉर्ट हो चुका है। तो हम इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो इसने कहा प्रोग्राम टू सॉर्ट 10 इंटीजर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद में एंटर 10 इनपुट वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है मेरे से AR0, 23, 45, 3, 40, -8, 56, 34, 6, 9 और 0। तो हम देखते हैं तो आउटपुट आ गया हमारा -8, 0, 3, 6, 9,
23, 34, 40, 45 और 56। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में आगे एक बार और रन करते हैं हम इसको प्रोग्राम को। 3, 4, 5, 23, 44, 56, 7, 44, 60, -7, -234, 68 एंड 88 सपोज। तो इसने ये असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया मुझे। -234 सबसे छोटा है, फिर माइनस का 7 उससे बड़ा है, फिर प्लस का 7, 23, 44, 60, 68, 345, 456 और 888। तो ये प्रोग्राम इस तरह से हमने बना दिया जिसमें हमने बढ़ते हुए क्रम में जो हमारे 10 इंटीजर नंबर थे उन्हें हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लें, फिर भी उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस सेशन में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही, अगले सेशन में फिर से हम अगला प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।